मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से संवाद किया, जिसमें सीएम गहलोत ने कहा कि 27 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ पीसी होगी, जिसमें 3 मई के बाद की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 3 मई के बाद भी प्रदेश में धारा 144 जारी रहेगी और मास्क नहीं पहनने पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गुटखा तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही गहलोत ने आगामी त्योहारों रमजान और अखातीज पर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार और प्रशासन मुस्तैद है और सभी धर्मगुरुओं का साधुवाद, जिन्होंने लोगों के बीच जागरूकता का संचार किया। कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन तो 3 मई तक तो है ही है, 27 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है प्रधानमंत्री जी की वापस मुख्यमंत्री के साथ, तब क्या रूपरेखा बनती है 3 तारीख के बाद वाली, वो आपको उसमें बताएंगे। अभी तो उनकी जो गाइडलाइन आई हुई है नेशनल COVID-19 की जो निर्देश आया है, उसके अंतर्गत अगर ये लॉकडाउन खुलता भी है तब भी उसके बाद जो गाइडलाइन नहीं आएगी, अभी की गाइडलाइन भी है कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा। जहाँ अभी खुल भी गया है, मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ है, वहां पे भी आपको मास्क लगाना पड़ रहा है, और जो नहीं लगाया उसको 100 रुपये उसके ऊपर फाइन है, 100 रुपये फाइन। इसी प्रकार जो पब्लिक प्लेसेस पे जो लोग थूकेंगे आपस के अंदर थूकेंगे, उसके ऊपर भी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को पावर दिए जा रहे हैं कि 100 रुपये का फाइन पे लगेगा जो पब्लिक प्लेस पे थूकने का काम करेंगे। पहले से ही भारत सरकार ने जो गुटखा तंबाकू लिकर इस पे बेचने पे प्रतिबंध लगा हुआ है, लॉकडाउन के अंतर्गत लगा हुआ, पहले से लगा हुआ है। अच्छा, 144 लागू रहेगी आगे भी CRPC के अंतर्गत, 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, उसमें 1000 रुपये जुर्माना है उसके अंदर जो उसको छोड़ेगा। और शादी समारोह यानी कार्यक्रम में उस पर जो आदेशों की अवहेलना करेंगे उसके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना। गुटखा तंबाकू बेचने वाले पे भी या लीकर बेचने वाले भी 5000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर भी। ये तो गाइडलाइन भारत सरकार ने पहले से आई हुई है जो मैंने आपको रिपीट की, और रमजान अक्षय तृतीया आ रही है, तो मैं पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तमाम नागरिक जो लॉकडाउन के नियम हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, ये मेरी अपील है आम जनता से। मुझे यकीन है कि अभी तक जो अपील की गई थी तब धर्मगुरुओं से बुला के बात करी, तब भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च और वही उन्होंने उसको निभाया भी है, इस बात के लिए उनको धन्यवाद कि आपने जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है गंभीर स्थिति, उसको देखते हुए आपने आगे आकर के हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो रमजान का महीना और अक्षय तृतीया का, ये अपने आप में धार्मिक रूप से महत्व रखते हैं। मैं चाहूँगा